नमस्कार, मैं हूं पंकज भट्ट और आप देख रहे हैं अपना लाइव डॉट न्यूज। आज आपको ऐसी सनसनीखेज खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं, जिसको देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक पुल जो बरसों से अपेक्षित चल रही है, ये पुल ऐसा है जैसे जिसे बेगूसराय और समस्तीपुर, ये दोनों जगह की घटनाओं को, दोनों जगह के सड़कों को जोड़ती है, सीमा पे खड़ी है ये पुल। और ये पुल श्री नित्यानंद राय जी यहाँ के सांसद भी हैं और उनके क्षेत्र का है ये पुल। यहाँ के सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को रोजगार देती है रोसरा से जोड़ करके। एकमात्र यह पुल है और इस पुल का अप्रोच पर आप जब दृश्य देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आए दिन इस वजह से घटनाएं होती रहती है, पुल बनने को बन गया लेकिन जो पुल का अप्रोचिंग पथ होता है उसकी हालत ऐसी है मानो कि गड्ढे हैं। गड्ढे में सड़क है ऐसी दिखती है। आए दिन ट्रक पलट जाता है, प्रशासन आकर के ट्रक वाले से ही उल्टे पैसे ले लेते हैं और उनको ट्रक निकलवा करके भेज देते हैं, ना कि उस गड्ढे की भरपाई करते हैं। कोई भी पदाधिकारी हो या राजनेता हो, ऐसा नहीं है कि उनको ये खबर नहीं पता है, उनको ये जानकारी नहीं है। सभी लोग जानते हैं लेकिन दिलचस्पी किन्हीं की भी नहीं दिखती। तो आइए आपको हम ऐसे जगह से रूबरू कराते हैं। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, ये रामपुर पुल की बात हो रही है। रामपुर पुल जो बेगूसराय और रोसरा को जोड़ने का एक मार्ग। देखिए कि कैसा गड्ढा है और कैसे गाड़ियाँ यहाँ पे आ रही हैं। आप इधर भी देखें कि कैसे लोग पैसेंजर उतरते हैं यहाँ पे, कैसे उतर उतर करके गाड़ी कितना रिस्क लेकर के यहाँ से चलती है और तब जा करके लोग एक जगह से दूसरे जगह चलते हैं। ये श्री नित्यानंद राय जी के शासनकाल में उनके संसदीय क्षेत्र में पुलों की क्या स्थिति है। ये है रामपुर पुल जो कि रोसड़ा और बेगूसराय दोनों को जोड़ने वाला ये पथ कहा जाता है। आए दिन, रात में हो दिन में हो, दुर्घटनाएं की संभावना तो बनी ही रहती है। आप ज़रा सोचिए कि अगर इसमें पानी भर जाए, बरसात का मौसम हो, तो लोग कैसे आएंगे और कैसे जा सकते हैं। आए दिन रातों में आपराधिक घटनाएं भी होती हैं, प्रशासन के द्वारा कुछ भी नहीं किया जाता है। प्रशासन बिल्कुल चुपचाप इस व्यवस्था को देखते रहती है। आइए मैं आपको यहाँ पे कुछ स्थानीय लोगों से बात भी कराता हूँ। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। कहाँ घर हुआ? कटक। ये व्यवस्था कब से ऐसा है? ये जब से पुल बना है उसी टाइम से अभी तक तो दिनों दिन प्रतिदिन इसका स्थिति और खराब होते जा रहा है। क्यों नहीं बनता है? इसके पीछे ये मैं आपको बाइक वाले भाई साहब से बात कराता हूँ, इनको कैसा महसूस हो रहा है? उनको तो मत पूछिए, पूरा दिक्कत है। एक बार सांसद महोदय इधर से गुजरे थे, उनको भी कहा गया था, विधायक साहब साथ में थे, वो बोले जो बीच में आप तैयार है 3 महीना बन जाएगा, लेकिन हमने अभी तक जमीन वाला घोषणा नहीं हुआ। मुआवजा से संबंधित जी, मुआवजा से संबंधित है, जमीन वाले सब को भुगतान नहीं हुआ है सरकार की। मुआवजा नहीं मिल रहा? नहीं, मुआवजा नहीं मिल रहा, इसीलिए इसके लिए SDO साहब वगैरह कुछ नहीं, कलेक्टर साहब कुछ नहीं कर रहे हैं? नहीं, अब हम लोग सांसद विधायक साहब को कहे थे यहीं पर उन लोग को रोक करके, वो बोले 3 महीना में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 3 महीना क्या 6 महीना हो गया, अभी तक नहीं हुआ। रोज यहाँ पर गिरता है, टांग हाथ टूटता है। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं? पुलिस प्रशासन लेता है ट्रक का पता। अच्छा, पैसा लेके ट्रक को पार कर? हाँ, बिल्कुल। ये स्थिति यहाँ की है, ये स्थिति यहाँ की बनी हुई है। मैं आपको अपने कैमरामैन भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि जरा सा वो टेम्पो जो अभी आ रही है उसको दिखाएं कि वो किस तरीके से आ रही है।
बात मुआवजे की आई है, मैं इन भाई साहब से, टेम्पू चालक वाले भाई साहब से मैं बात करना चाहता हूँ। क्या लगता है आपको? अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बुरा लगता है, एक्सीडेंट होने का डर होता है। तो डर नहीं लगता? लगेगा नहीं, लगता है, लगेगा नहीं। ये है रामपुर कुल्फी, जो रामपुर बहुत सदियों से, रामपुर का नाम एक प्रतिष्ठित जगह में से आता है। रामपुर का काफ़ी नाम भी रहा, अंग्रेजों के शासनकाल में रामपुर में ही एकमात्र विद्यालय हुआ करता था, जो यहाँ के क्षेत्र का एकमात्र विद्यालय हुआ। देखिए हम लोग जो है रामपुर रोड बराबर जानते हैं, यहाँ का मुखिया नेता चाहे कोई भी मंत्री विधायक इस रोड को कभी देखने के लिए नहीं आया, और इतना खतरनाक रोड हो गया है, बराबर हादसा होते रहता है यहाँ पर, कभी नहीं प्रशासन इसको देखने के लिए आता, कहीं कुछ करता नहीं है। अगर हम लोग यहाँ रहते हैं बहुत दिक्कत भी है हम लोग के साथ, कभी ये सड़क बनाने की कोई व्यवस्था ये लोग नहीं करते? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं करता है, कोई यहाँ पर अगो नहीं करता है, कितना बार गाड़ी पलट गया। शिकायत नहीं किया ऊपर? हम कहे कितना बार, हम बालक सिंह विधायक यहाँ गए, हम बोले सर रोड बना दीजिए, कभी बनाने की बात ही नहीं करते हैं। क्या बोलते हैं वो? वो बोलते हैं हम क्या करें, ऊपर से ऑर्डर आएगा तब ना, ऊपर से ऑर्डर नहीं आता हम कैसे रोड बना गए यहाँ पर। बहुत जानलेवा रोड है, पुल का जो रोड है बहुत जानलेवा है, दो बार हम बराबर जाते हैं और देखते हैं यहाँ रोज एक न एक गाड़ी फंसा हुआ रहता है, कभी पलटा हुआ रहता है, कभी भी व्यापक हादसा हो सकता है। किस कारण से रुका है इसको हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। सुनने में आता है कि यहाँ पे रात बिरात में आपराधिक घटनाएं भी हो जाती है, कभी कभी तो हो जाती है, ऐसा होता है। पुलिस प्रशासन क्या करती है फिर? प्रशासन क्या करती है? पुलिस प्रशासन ट्रक पलटने के बाद पैसा लेने आती है। कोई भी घटना होता है जैसे गाड़ी पलट गया, उसमें गाड़ी वाला से ही मुआवजा लिया जाता है। और क्या, तुम्हारी गाड़ी क्यों पलट गई? कैसे पलट? तो कुल मिला के ये स्थिति यहाँ की है, सभी जगहों से यहाँ की जनता गुहार लगा चुकी है, चाहे विधायक हो, सांसद हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, कोई भी हो, कहीं से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, और जिसके वजह से सैकड़ों हजारों लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। मैं पंकज भट्ट, बेगूसराय।